और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सांवेर की जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वे सांवेर में नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करेंगे, जिसे लेकर सांवेर के लोगों में काफी उत्साह है। सांवेर में मुख्यमंत्री की बड़ी सभा भी होगी। यहां से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को उनके विरोध में खड़ा किया है। अनादि टीवी ने सांवेर की जनता से बात की, आपको सुनवाते हैं कि आखिर सांवेर की जनता क्या चाहती है। सांवेर माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना के तहत आज यहां भूमि पूजन होगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान सांवेर वासियों को पानी का एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि आज यहां सीएम की सभा है, बड़ी संख्या में यहां जो सांवेर वासी है यहां पर सीएम की सभा में इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी पसंद कौन है और कौन यहां से जीतेगा। क्या लगता है कौन यहां से जीतेगी कांग्रेस? स्पष्ट बोलना चाहता हूं मैडम पहले तो मैं कि इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांवेर क्षेत्र से हमारे माननीय जो मंत्री है जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी एक तरफा जीत रहे हैं और उनकी विजय पक्की है। क्या लगता है? ही है उनको किसी भी कीमत में हौसला जिंदाबाद। आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है कि यहां पर कौन जीतेगा? तुलसी साहब यदि हम बात करें विकास की तो किस प्रकार के उनके विकास कार्य हैं, उनके कार्य कैसे आपको पसंद आए, क्या उनके कार्य हैं? हमारे यहाँ पे नर्मदा पानी का आया है और उसके बाद में रोड बना है, इसके लिए हम उनको जिताना चाहते हैं। 8 लाख का रोड का प्रोजेक्ट पास हुआ है अभी, सही बता देंगे सर। यदि हम बात करें आप लोगों को मदद किया सहायता की जब कुछ ऐसा होता है तो क्या जो तुलसी भैया हैं आप लोगों के तो क्या वो आगे आते हैं? वो तुलसी भैया हमारे यहाँ सतत 20 साल से सांवेर का विकास कर रहे हैं और हमेशा सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने और तुलसी भैया की मेहनत से सांवेर में माँ नर्मदा जी आई है, जो संभव नहीं था। जिस प्रकार से पिछले हम देखे जाए कि एक तो बहुत ढलान से नीचे पानी आ रहा, उसका अथक प्रयास किया तुलसी भैया ने। तुलसी भैया पसंद तुलसी भैया है और भारत आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पसंद है, यहाँ पर पसंद इनकी तुलसी भैया है, वही हमारे साथ यहाँ कुछ और है। कौन आपकी पसंद? तुलसी सिलावट जी। तुलसी मदद की बात करें तो किस प्रकार वो मदद करते हैं यहाँ की जनता की? वो हर पल हमेशा तैयार संजोरिया से साथ दे रहे हैं सांवेर का, और इस नई पार्टी में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और वो बिल्कुल सांवेर वालों का साथ संचुरासी से साथ में है और आज भी साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। उनकी कांग्रेस से बीजेपी में आने पर आप लोगों को खुशी है? बिल्कुल बहुत खुशी है, हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि उन्होंने सांवेर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अभी जो नर्मदा योजना लाए हैं वो सभी को पूरे विधानसभा में पूरे वो नर्मदा जी का पानी देंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ किसके लिए आई हैं आज? यहाँ पे बुलाए तो आए। तुलसी भैया जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। तुलसी भैया जीतेंगे? जीतेंगे। विकास कार्यों की बात करें तो किस प्रकार के उनके कार्य हैं? जीतेंगे। बताइए किस प्रकार के आप लोग कुछ मदद की आवश्यकता पड़ती है तो क्या तुलसी भैया आते हैं? आते हैं, बात भी करते हैं, सब काम व्यवस्था करेंगे। आप लोगों की जो मदद होती है पूरी करेंगे, सब करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ समय बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान तुलसी सिलावट कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि तुलसी भैया के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा मैन गोविंदा को बोलूंगी कि आप यहाँ पर दिखाइए। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सभा यहाँ पर हो रही है, एक तरफा कहा जा सकता है कि एक तरफा बीजेपी का माहौल है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ पर सांवेर वासियों से बात की तो स्पष्ट तौर पर यहाँ कहा जा सकता है कि तुलसी सिलावट यहाँ पर जीतेंगे। कैमरा पर्सन गोविंदा चौधरी के साथ कविता पांडे, अनादि न्यूज सांवेर।